हम आ गए हैं अल्बेक, आ चुके अपना अल्बेक का आइटम्स। ये देखिए 3,000 सऊदी रियाल का भाई का ऑलरेडी चालान कट चुका है भाई। दो दिन रोटी नहीं खाई थी। यहाँ भी क्या रेट है अभी पेट्रोल का, ये देखिए 2.190। फिर हमारे लिए भी दुआ करना आप, ठीक है इंशाल्लाह जरूर। आमिर भाई दुआ में याद रखना। नजारे कुछ ऐसे नजारे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम मेरा उमरे का सफ़र है और इस सफ़र के बारे में पूरी सीरीज़ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इसी चैनल पर, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और ये सफ़र हुआ है बर्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जिनकी सर्विसेज मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो उमरा, हज या इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, तो इनसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, इनके पास सभी तरह के पैकेजेस अवेलेबल हैं। चलिए अब व्लॉग शुरू करते हैं। यस, ये बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, ये अल्बेक की सबसे पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, जो कि अब यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई है। राजा, ये मक्का सिटी कितने दायरे में फैली हुई है? 30-40 किलोमीटर के एरिया, 30-40 किलोमीटर का इसका एरिया है। और यहाँ पर आप मकान देखेंगे, बिल्कुल देखिए किस डिजाइन से बने हुए हैं। यहाँ पर अक्सर मकान के कलर इस टाइप के रहते हैं। अच्छा, अपना तो अभी हम आ गए पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल डलाएंगे डीजल। यहाँ भी क्या रेट है अभी पेट्रोल का? रियाल 18 पैसे, 2 रियाल का एक लीटर पेट्रोल है भाई, यानी कि हमारे रेट के हिसाब से 50 रुपए इंडिया के 50 रुपए, 50 रुपए पर लीटर आधी कीमत है भाई। यहाँ से भर के ले चलेंगे अपन, ये टमाटर दे के ले लो ना, तो आदत है। ये देखिए 2.190, राइट साइड में 2.340, ये पावर वाला है। डीजल की क्या रेट है? 93 पैसे, मतलब 1 रियाल से भी कम है। 1 रियाल से वो आएगा इंडिया 15 रुपए लीटर। 15 रुपए लीटर है भाई यहाँ पे डीजल, और हमारे यहाँ 100 टच होने वाला है, 90 सौ। इतने में तो पराठे तल के खाओ, पानी महंगा है भाई यार। अपने यहाँ से तो तकरीबन वो 8 से 10 गुना ज्यादा रेट है। इससे अच्छे तो अपन बाल्टी में भर के ले चलते हैं, छोटी छोटी बाल्टी में। ये कह रहे डीजल पिएगा, डीजल पिएगा और मैं डीजल में पराठे तल के खाऊंगा। देखो भाई 50 रियाल में भाई 22 लीटर आ रहा है, बताइए आप। यहाँ पर देख रहे हैं आप, सिग्नल है ग्रीन कलर का भाई, अगर इसको तोड़ देंगे तो कितने रुपए का चालान कटता है यहाँ पे? से कम यहाँ का 3,000, 3,000 रियाल, इंडिया का 65,000 रुपए के हिसाब से चालान कटेगा अगर आपने यहाँ का सिग्नल तोड़ दिया। वो तेरे भाई का है, वो है। अच्छा, किसका कटा है? मेरा। आपका कट चुका है? यो भाई, भाई का देखो ऑलरेडी चालान कट चुका है। ये भाई की आईडी है, ये देखे 3,000 सऊदी रियाल का भाई का ऑलरेडी चालान कट चुका है भाई। कैसा लगा था उस टाइम जब आपका चालान कटा? दो दिन रोटी नहीं खाई थी। भाई देख रहा, जब किसी का 65,000 रुपए का चालान कटेगा तो बंदा खाना पीना तो छोड़ ही देगा यार। भाई यहाँ पर बता रहे हैं, अगर आप मोबाइल पे बात करोगे तो जैसा हमारे इंडिया में चालान कटता है वो शायद 500 रुपए का होता है, और यहाँ पर कितने रियाल का कटता है? 500 रियाल का इंडिया, 500 रियाल के 11,500, इंडिया का 11,500 रुपए के हिसाब से। सीट बेल्ट का, सीट बेल्ट का चालान है 300 रियाल, 7-8 हजार रुपए। यार इतना लंबा अपन ने सफर तय कर लिया, लेकिन अभी तक अपन को टू व्हीलर नजर नहीं आ रही भाई। अगर यहाँ एक्सीडेंट हो गया टू व्हीलर में तो मौत ऐसी थी। भाई ने बताया कि यहाँ पर गाड़ियाँ काफी तेज रफ्तार से चलती हैं, इसलिए लोग प्रीफर नहीं करते टू व्हीलर चलाना, क्योंकि उसमें ज्यादा रिस्की होता है, इसलिए फोर व्हीलर ही आपको नजर आएंगे रोडों पर। अपन डुप्लेक्स ले लेते हैं भाई, यूसुफ भाई क्या कह रहा हूँ भाई, कितने का आएगा यहाँ पे? कम से कम मानो तो 15-20 लाख रियाल, 15-20 लाख रियाल। रियाल यार ये कैलकुलेशन लंबा पड़ जाएगा थोड़ा सा। एसीडी कन्वर्ट 15 लाख रियाल्स इनटू रुपीस, कितने बोल रही है? अच्छा, जैसे अगर हम आकर घर खरीदना चाहें तो नहीं खरीद पाएंगे? नहीं, रेंट पे ले सकते हैं। रेंट पे ले सकते हैं खाली, क्योंकि आपके पास सिटीजनशिप होना चाहिए। सिटीजनशिप नहीं मिलती अब हमें, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? यहाँ पे जो पुराने हैं उनको 50-60 साल हो गए। भाई कह रहे हैं जो लोग इंडिया 50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, पैदाइश यही हुई है, लेकिन उनको तक अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली है।
मतलब एक टैक्सी ड्राइवर आराम से यहाँ पर 70-80 हजार रुपए कमा लेता है, लेकिन खर्चा वर्चा निकाल के, खर्चा वर्चा निकाल के सब निकाल के सब निकाल के कब आ रहा तुम टैक्सी लेके? तो अमीन भाई को पकड़ेंगे अल्बेक आ चुका। तो ये अभी हम आ गए अल्बेक, गाड़ी यहाँ पार कर रहे हैं। तो भाई अभी हम आ गए यहाँ पर अल्बेक, अल्बेक तो भाई अभी अलामिर खान आ चुके हैं अल्बेक, अल्बेक में आ चुके हैं अल अमीर और अली यूसुफ के साथ। यहाँ पर आके भाई हम लोगों ने भी सोच लिया हम भी हाल हो जाएंगे आपसे अली यूसुफ। ये जा रहा है अल अमीन, अल अमीन, अल यूसुफ, अल अमीर। अभी अल के बाद लेट हो जाते दोनों यहाँ ओरिजिनल अल्बेक पर। भैया मैंने तो मोबाइल में सेव भी यही नाम करा हुआ है, अलामिर भाई सऊदी और अलामीन सऊदी। अब हम सऊदी वाले हो गए सऊदी और यू। So, if you want anything, I'm here. I'm okay? Indian. MashaAllah. How are you? भाई हमारा इस्तकबाल कर रहा है यहाँ पे। Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Say hi to our Bhopali subscribers. Yeah, Bhopali. Repeat after me. Orkha. Orkha. Kya hal hai? Kya hal hai? और क्या ले? और क्या ले? चाय पे तो बुला रहा हूँ। नजारे ना खाना ना एक बंद मिनट के नजारे कुछ ऐसे नजारे कुछ ऐसे हैं, ऐसे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्बेक का मेन्यू देखिए यहाँ पे क्या है, ये सारा चार्ट आपके यहाँ पर मिल जाएगा अल्बेक का। तो भाई क्या क्या चीज हो रहा है, पूरा वेनिला आइसक्रीम देखिए, सैंडविच चार में क्या प्राइस आ रहा है। तो भाई अभी हमने यहाँ पर फिश का आइटम ले लिया यहाँ पे, अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे सिटिंग एरिया में। तो भाई ये आ चुका अपना अल्बेक का आइटम्स, और ये जो है भाई हमारे मुफ्ती साहब ने हमको दावत दी है माशाल्लाह, ये है और ये। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले ओपन करते हैं क्या है। भाई ये है सबसे पहले यहाँ पर अल्बेक का मशहूर श्रिम्प, और यहाँ पर नेक्स्ट क्या है इसके अंदर देखते हैं, फिश नगेट्स। ये है फिश नगेट्स और ये है फिश फिलेट। ये माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन आइटम है, और इसके साथ हमारे पास कुछ ड्रिंक्स भी हैं, और यहाँ पर इन्होंने ये इसके साथ ये, और ये यहाँ की स्पेशल अल्बेक की चटनी कॉकटेल क्या बोलते हैं कॉकटेल, वहीं इसके स्पेशली कॉकटेल भी बोला जाता है। टिश्यूज पेपर हैं अल्बेक के स्पेशल। यहाँ पर अभी हम लोगों ने कॉम्बो लिए थे जिसके साथ ये आप देख सकते हैं साथ में बंद भी है यहाँ पर अल्बेक के। चिकन का कोई आइटम नहीं लिया, और यहाँ पर चिकन का कोई भी आइटम नहीं लिया, अभी हमने सिर्फ फिश का आइटम लिया हुआ है। तो भाई इसमें लगाया अपन ने यहाँ की रेड सॉस, वाइट सॉस, और यहाँ की अल्बेक की स्पेशल चटनी। माशाल्लाह काफी क्रिस्पी है। अरे यार ब्रेड नहीं खुल रही, ये तरीका होता भाई, तो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। तो ये तरीका अच्छा है भाई, ये शानदार। राजा भाई यहाँ पे अल्बेक के टक्कर में कोई और कौन सा है यहाँ पे? अल्बेक के टक्कर में कोई नहीं है। तो भाई हमने भोपाल के अल्बेक तो काफी ज्यादा ट्राई किए, लेकिन अल्बेक जो है असली यही है सऊदी से ना, अल्बेक वहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, बी ए की जगह ई है मेरे ख्याल से, इतना फर्क है खाली वहाँ। यहाँ के टिश्यू जो है ना वेट होते हैं, जिसमें आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ती, और देखिए कितना गीला है टिश्यू, देखिए पूरा वेट है जिसमें आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसमें फ्रेग्रेंस भी है।
दम लग जाएगा उम्रे में भाई, उम्रे में नहीं है ना, उम्रे के आने में मत ले। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इनके ड्रिंक पे, पेप्सी के ड्रिंक पे अल्बेक का खुद लोगो लगा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई कितना बड़ा ब्रांड हो चुका है अल्बेक। इंडियन एम्बेसी ने पे कर दिया, उससे उससे पहले आए थे 2600 दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्बेक टेस्ट कर लिया अपन ने यहाँ का। चलिए अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग अल्बेक से अब हम जा रहे हैं एक होलसेल मार्केट की तरफ। चलिए जब तक अपन वहां पर पहुंच रहे हैं, जब तक मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़ लेता हूं। अभी हमने रिसेंटली आधे एक घंटे पहले वीडियो अपलोड किए यूट्यूब पर, तो उस पर आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए। मेरे हमारे लिए भी दुआ करना आप, ठीक है, इंशाल्लाह जरूर। आमिर भाई दुआ में याद रखना, दुआ की दरख्वास्त है, दुआ की दरख्वास्त। माशाल्लाह आमिर भाई, भाई दुआ में याद रखना। इतने शॉर्ट वीडियो, वी वांट मोर लॉन्ग वीडियो भाई, जितनी कोशिश हो रही है। वैसे भी ये जो वीडियो रिकॉर्ड मैंने आप लोगों को किया था वो डेढ़ घंटे का था, लेकिन हमें शॉर्ट करके डालना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों को हटाना पड़ता है, और यहाँ पर डाटा काफ़ी ज़्यादा महंगा है, इस चक्कर में हमें थोड़ा शॉर्ट वीडियो भी रखना पड़ रहा है। और भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, नेक्स्ट वीडियो जल्दी डाल देना। और आपका उम्रा भी हो गया होगा, मैं भी इंस्टाग्राम पर देखता हूँ। ओके शुक्रिया भाई। लौटते वक्त आप फैन मीटअप रख लेना जद्दा में। क्या आप जद्दा से देख रहे हो यार, भाई कमाल की बात है यार। जला आपको हम सबको कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह आपका उम्रा कबूल करे, आपका उम्रा कबूल फरमाए। आई एम वेटिंग फॉर योर वीडियो आमिर भाई, 18 अगस्त से इंतज़ार कर रहे हैं भाई, ये देखिए आप। और आमिर भाई बहुत लोग मिलेंगे वहाँ पे। ओके, बेस्ट ब्लॉगर है। और थैंक यू भाई, थैंक यू। पहले माँ बाप को उम्रा करा देते, अकेले ही निकल लिए भाई। इसका जवाब तो ये है कि भाई देखो अल्लाह जिसको बुला ले पहले। हाँ इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करेंगे, अपने अम्मी पापा को ही भेजना है, तो प्लान चल रहा है, इंशाल्लाह जल्दी उनको ही भेज देंगे। तो दोस्तों हम ज़रूर दुआ करेंगे आप सभी के लिए, अल्लाह ज़रूर एक बार यहाँ पर बुलाएँ अपने घर की ज़्यारत के लिए इंशाल्लाह।